चलते चलते पैर थक गया है। कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइस आप लोग देखिए, ये जालंधर पठानकोट वाली सड़क है और कितनी अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी। सामने आप लोग देख सकते हैं 44 किलोमीटर होशियारपुर, क्या हाल बना दिया है। आर्मी ग्राउंड का देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ लंबी लंबी घास, कोई सफाई नहीं। गाइस अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस घर में तो मन नहीं लग रहा है, तो चलते हैं बाहर, चलते हैं हाईवे पकड़ेंगे और घूमते हुए आर्मी ग्राउंड में पहुंचेंगे। सुना है कि उसमें पिछले हफ्ते काफ़ी बारिश हुआ था तो पानी इकट्ठा हो गया था, देखते हैं उसका हाल कैसा है। घूमेंगे फिर आएंगे। चलते चलते पैर थक गया है, आज काफी चला हूँ सुबह से लेके। गलियाँ देखिए कितनी साफ सुथरी है, वैसे कचरा नहीं दिख रहा है। साइकिल का आवाज आ रहा है, चू 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 चू। तो गाइस अभी मैं पहुंचने ही वाला हूँ, हाईवे की तरफ से जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तो मैं अकेले जा रहा हूँ, पुनीत नहीं है मेरे साथ, काफ़ी दिन हो गया है गए। तो गाइस आप लोग देखिए, ये जालंधर पठानकोट वाली सड़क है और कितनी अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल मक्खन जैसी। तो सीधी सड़क चली जाएगी जालंधर और इधर आप पठानकोट चले जाएंगे। भारत में अब बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं और लंबी लंबी हाईवे एक्सप्रेसवे बन रही है और आप लोग सड़कें देखिए कितनी शानदार है। ये 4 लाइन सड़कें हैं और काफ़ी अच्छी है। देखिए गाइस कितनी अच्छी सड़क है और ऐसे ऐसे सड़कें भारत में कितनी हैं। यहाँ पर गाड़ियों का लिमिट है 120। गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से सड़क सीधा जालंधर की तरफ चली जाएगी। पठानकोट की तरफ से गाड़ियां आ रही है और जा रही है जालंधर की तरफ। कुछ साल पहले गाइस 2 लाइन सड़कें थी, अब 4 लाइन सड़कें बन गई है और काफ़ी चौड़ी भी है। ये है नितिन गडकरी साहब का कमाल। ये तो गाइस कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी अच्छी एक्सप्रेसवे भारत में बन करके तैयार हो गई है। सामने आप लोग देख सकते हैं 44 किलोमीटर होशियारपुर,
सड़क पर गाड़ियां बहुत स्पीड चल रही है। गाइस मैं भी पहुंच आया हूं, तो चलिए अब चलते हैं आर्मी ग्राउंड। तो गाइस आर्मी ग्राउंड में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस देखिए क्या हाल हो गया है आर्मी ग्राउंड का। लंबी लंबी घास, सड़कों पर घास, पिछले दो हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। कल थोड़ा सा हुआ और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, सुबह से बारिश नहीं हुई है। तो गाइस देखिए कैसा हाल बना है सड़कों का, इधर से भी देखिए। बारिश ने तो इसका हाल सबसे बुरा हाल कर दिया है। क्या हाल बना दिया है आर्मी ग्राउंड का, देख सकते हैं आप लोग। चारों तरफ लंबी लंबी घास, कोई सफाई नहीं। अभी शाम के 6 बजने वाला है और कुछ लोग है जो उधर है। तो गाइस लगता है मुझे सब्सक्राइबर वाले बटन में कोई दिक्कत आ रही है। एक बार आप लोग दबा के देखना कौन सा कलर आ रहा है, नहीं तो मैं इसकी सर्विसिंग कराऊंगा। ये बढ़ता ही नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत जरूर है गाइस। तो गाइस क्या हाल बन गया है इस आर्मी ग्राउंड का, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल देखने में अजीब लग रहा है, लंबी लंबी घास। मैं तो सोचा था कि शाम को काफी लोग होंगे, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही इस आर्मी ग्राउंड में सैर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते थे कि इसमें सब जगह पानी लग गया था, जो पिछले हफ्ते बारिश हुई थी उसमें जगह जगह पानी लग गया था, इसमें सब पानी भर गया था, इसी वजह से इसका ये हाल हुआ है, नहीं तो काफ़ी अच्छा बन गया था। गाइस घूम फिर लिए, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत बुरा हाल है इसका, बहुत बुरा। काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको पहले जैसे होने में।